तो दोस्त, आज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम के बारे में आज बात करेंगे। ये जो इंजन है, ये इंजन बहुत बहुत हीट हो रहा है। तो ये हीट को मैं नॉर्मल करेंगे, तो कैसे करेंगे थोड़ा फॉलो करिए, आपको बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा। तो पहले मैं ये नोजल एलिमेंट को देखेंगे। ये नोजल जाम होने के साथ साथ इंजन भी सीज हो रहा है। सीज हो रहा है मतलब इंजन चलने की टाइम में फटक से बंद हो रहा है, और थोड़ा देर बाद जब इंजन ठंडा हो रहा है तब स्टार्ट देने की बाद में ये स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम ओवरहीट होने के कारण में ये आते हैं। तो ओवरहीटिंग जो प्रॉब्लम है, इसका कई कारण होता है। तो उसी कारण में एक दो काम आज मैं करेंगे, तब तक मेरा साथ रहिए और वीडियो देखते रहिए। लगता है बहुत बड़ा एक टिप्स मिलने वाला है आज। पूरा वीडियो देखते रहिए, स्किप करेंगे तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा आज। तो दोस्त, मैं हूँ शौकत अली मंडल। मैं एक बहुत छोटा एक मैकेनिक हूँ। तो मैं जो काम कर रहा हूँ आज, इसमें से आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगा तो ज़रूर एक लाइक करने ना भूलिए। उसी के साथ साथ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे छोटा मोटा काम बहुत सारे मेरा चैनल में है, आसानी से आपके पास चले आएगा। तो देखिए दोस्त, इसका मेन प्रॉब्लम है तेल ज़्यादा दे रहा है, मतलब प्लंजर से ज़्यादा तेल दे रहा है। तो वही तेल कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, नोजल के ऊपर प्रेशर देना होता है। तो नोजल के ऊपर जब प्रेशर देंगे तभी ये इंजन अल्टीमेटली हीट हो जाएगा। यही था मेन प्रॉब्लम। तो इसी प्रॉब्लम का मैं क्या करेंगे, प्लंजर में थोड़ा कम तेल दे, इसी का काम करेंगे। मतलब ये फ्यूल पंप से तेल कैसे कम दे सके, इसी का काम करेंगे। तो फिर क्या होगा, नोजल में प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। ये काम करेंगे तो ये इंजन सही तरह मरम्मत हो जाएगा। तो चलिए, कैसे डीजल कमाया जाएगा उसी का काम करते हैं। तो डीजल कमाने के लिए दूसरा कोई प्रोसेस नहीं है, यहाँ देखना होगा कितने सिम वर्सल है। ऑलरेडी यहाँ दो पीस है, तो यहाँ और दो पीस एक्स्ट्रा वर्सल देकर डीजल कम कर लेंगे। उसके बाद मैं नोजल को एडजस्ट करेंगे। ये काम करेंगे तो इंजन में डीजल कम देगा। तो चलिए प्लंजर को हम फिटिंग कर देते हैं। मैं पहले का जितना था उतना सब दे देंगे, पहले दो था, तो इसके बाद एक्स्ट्रा और दो पीस इसके साथ देकर मैं फिटिंग कर देंगे। तो चलिए फिटिंग करते हैं। तो चलिए एक और टिप्स देते हैं। ये जो टिप्स है ये पैसे में नहीं मिलेगा भाई। देखिए, किसी किसी इंजन में साउंड ज़्यादा होता है। कैसे साउंड, इंजन जब स्टार्ट करोगे तब देखोगे स्ट्रोक का साउंड ज़्यादा होगा। कैसे साउंड, टक 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 सक, ऐसे साउंड ज़्यादा होता है। तो ऐसे साउंड जो जो इंजन में होता है, वो इंजन बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और ये साउंड जब कम नहीं करोगे तो उसका बॉडी ब्लास्ट हो जाएगा। ये ऐसा केसेस मेरा पास बहुत सा आया है, बहुत दिन का तजुर्बा आपके पास शेयर कर रहा हूँ। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, ये वर्सल ज़्यादा हो जाएगा तो इंजन स्टार्टिंग में दिक्कत आएगा और मिसफायर आ जाएगा। तो मेरा इसी साइड का काम हो गया। अभी नोजल को देखेंगे, नोजल के अंदर कौन सा प्रॉब्लम है। ऐसा प्रॉब्लम चाइना मेड जो इंजन होता है उसी में नहीं देखने मिलता है, लेकिन इंडिया मेड जो इंजन होता है उसी में ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रॉब्लम आते हैं। चाइना और इंडिया मेड का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखिए नोजल थोड़ा टाइट है। ये देखिए, ये नोजल जल गया, ये ब्लैक हो गई। इसका, ये इंजन का जो ओवर हीट हुआ है इसके वजह से ये हुआ है। ये नोजल नहीं चलेगा, इसको चेंज करना होगा। कंपनी की तरफ से एक सेट इंजन के साथ देता है, तो ये जो इंजन का मालिक है इसके पास था, तो इसको हम यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको खोल लेते हैं और देखते हैं
ये सही है कि नहीं। बहुत दिन उनके पास पड़ा रहा तो देखते हैं ये काम में आएगा कि नहीं। तो मैं नज़ल को सेट कर लेते हैं। यह है एडजस्टर। इसको बैठा के लेना होगा, लेकर होल्डर को फिटिंग कर देंगे। अभी ध्यान देना होगा ये जो नज़ल पिन ये अप डाउन करेगा या नहीं, ये देखना होगा। ये देखिए नीचे में जो एडजस्टर है वो घुमाएंगे तो अप डाउन करते रहेगा। तो ये देखिए लगता है सही है। ठीक है, तो होल्डर में टाइट दे देंगे। तो दोस्त ये कंपनी का जो सेट होता है ये अवॉइड करना ही अच्छा होता है, क्योंकि इसको जब फिटिंग करोगे तो बाद में इसका बहुत बहुत दिक्कत आते हैं, क्योंकि कंपनी से जो सेट देता है वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़राबी होता है। तो आपका वहाँ कौन सा स्पेयर पार्ट्स मिलता है ये कमेंट में ज़रूर बताना। और एक चीज़, आप कहाँ से ये वीडियो देख रही है ज़रूर कमेंट में लिख दीजिए, तो जानेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं वेस्ट बंगाल में रहने वाला हूँ, तो ये वीडियो आपका थोड़ा सा उपकार में आया है तो ज़रूर एक लाइक दीजिए। और पहले मैं बोल दिया मैं छोटा मोटा एक मैकेनिक हूँ, तो मुझे भाषा में थोड़ा गलती हो गई तो छोटा भाई समझ के मान लीजिए। तो मेरा पूरा काम हो गया, अभी एक काम बाकी है, ये है नोजल कैप। ये चीज़ यहाँ फिटिंग होता है तो मैं चेसिस में फिटिंग करने के बाद एडजस्ट करेंगे, उसके बाद ये कैप को फिटिंग करेंगे। तो चलिए मेरा तो काम टोटली हो गई, अभी चेसिस में फिटिंग करते हैं। रुको, मैं इंजन को चेसिस में फिटिंग कर लिए, नोजल भी एडजस्ट हो गई। अभी इंजन को स्टार्ट देंगे। तो दोस्त आपका कमेंट का इंतजार में हूँ।